सब्सक्राइब कीजिए हाईटेक चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, आईटेक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही कमाल के और धमाकेदार लॉन्चर के बारे में, जो कि आप अभी मेरे फोन पर यहां पे देख सकते हैं। दोस्तों ये लॉन्चर लाइक हमें आयरन मैन के कंप्यूटर जार्विस की याद दिला देता है। ये लॉन्चर में आपको कुछ 3D इफेक्ट देखने को मिल सकती है, साथ साथ में ये लॉन्चर बहुत ही स्पीड से काम भी करता है। तो अगर आप इस लॉन्चर के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे इसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसका यूज करना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप इस लॉन्चर को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं आईटेक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेनू की। जैसे कि हर मोबाइल में मेनू होता है जहां से हम एप्लीकेशन को देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो यहां पे आपको मेनू कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहां पे आपके मोबाइल में जितनी भी ऐप इंस्टॉल है वो सारी यहां पे आपको दिखाई देगी, और यहां पे जो स्क्रोलिंग इफेक्ट है वो बहुत ही कमाल की है, और साथ साथ में ये बहुत ही स्पीड से काम भी करता है, जो कि ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था। इसके बाद अगर हम डायल कॉल की बात करें तो यहाँ पे आपको डायल कॉल के लिए एक अलग ही मेनू दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आप कॉल डायल कर सकते हैं, कॉल कैंसिल कर सकते हैं, नंबर सेव कर सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डायल कॉल का एक अलग ही मेनू मिल जाता है। इसके बाद अगर आप होम स्क्रीन की ऐप को रिप्लेस करना चाहते हैं तो सिंपल है, आप उस पर होल्ड कीजिए। जैसे होल्ड करेंगे तो जो भी ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल है वो सारी ऐप यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद आप किसी भी एक ऐप को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ट्विटर को ऐड करेंगे तो ये रहा ट्विटर। तो सिंपल है, बस इस पर हम क्लिक करेंगे, तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये जो ऐप है वो यहाँ पे होम स्क्रीन पे ऐड हो जाएगी। अगर आप इस लॉन्चर के सेटिंग में जाना चाहते हैं तो सिंपल है दोस्तों, आपको यहाँ पे सेटिंग के बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस लॉन्चर का सेटिंग आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कई तरह के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जहां से आप इस लॉन्चर में नई नई सेटिंग कर सकते हैं, कुछ नई इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कई तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ थीम की, तो यहाँ पे आपको लॉन्चर थीम भी मिल जाती है, जहां से आप इस लॉन्चर की कुछ कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ नई थीम ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल आप इस लॉन्चर थीम पे क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पे 3 अलग अलग कलर के रिएक्टर मिल जाएंगे, जैसे कि ग्रीन है, उसके बाद येलो है, उसके बाद ब्लू है। तो ग्रीन अगर आपको मतलब लगाना है, ऐड करना है, तो उसके लिए आपको कुछ ऐड देखनी होगी, मगर अभी हम ब्लू सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपल है, बस ब्लू पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये लॉन्चर एक बार रिबूट होगा, मतलब बंद होकर चालू होगा। चालू होते ही यहां पे आप देखोगे कि यहां पे जो भी आपका लॉन्चर है वो पूरी तरीके से ब्लू हो जाएगा। और अगर आप इस लॉन्चर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सिंपल है दोस्तों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, जहां पे आपको इस लॉन्चर की लिंक मिल जाएगी, जहां से डायरेक्ट आप इस लॉन्चर को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आशा रखता हूं दोस्तों आपको पूरी तरीके से पता चल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, बाय।